वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद चैप्टर इवोल्यूशन लेके आए हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सभी उन टॉप एमसीक्यू की जो कि पीजीटी बायोलॉजी टीचर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन स्टेटेड दैट। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या बताती है बेटा? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये बताती है कि अगर कोई नॉन लिविंग फूड मटेरियल रखा हुआ है तो उसके ऊपर खुद पे खुद ही जो है वो न्यू लाइफ जो है वो अराइज हो जाती है। पहले स्मॉल इंसेक्ट, फिर उसके बाद लार्ज, फिर उसके बाद लार्ज। ठीक है, सो ये क्या कहते हैं बेटा कि लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली। नहीं, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। नहीं, इन्होंने स्पेसिफिकली नॉन लिविंग लिखा था। लाइफ अराइज स्पॉन्टेनियसली नाइदर फ्रॉम लिविंग और नॉन फ्रॉम नॉन लिविंग। ये भी लाइन गलत है। आंसर जाएगा लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। ये बात स्पॉन्टेनियस जनरेशन ने कही थी। नेक्स्ट करते हैं, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रिफर टू एज। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस बेटा, पैलेंटोलॉजी स्टडी होती है आपकी फोसिल्स की, तो आंसर जाएगा बेटा आपका फोसिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालोगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू। एनालोगस ऑर्गन जो है वो किसकी वजह से अराइज हुए थे बेटा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है बेटा? जिनका सेम फंक्शन हो लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो। अब सेम फंक्शन क्यों रहा होगा बेटा, अगर कंडीशन जो है वो सबकी सेम रही होगी तो इसलिए सेम फंक्शन जो है वो रहा होगा। तो इसलिए आंसर जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जैसे ऑक्टोपस की आई और ह्यूमन आई, एनालोगस का ऑर्गन है। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ। ये बेटा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है जो कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइप के जो एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरा एलील की जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो आपके वन के बराबर होती है। ओके, इसका मतलब ये है कि एक जीन के अगर मान लो दो एलील है तो एक की फ्रीक्वेंसी और दूसरे की फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो वन के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अपीयरेंस ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल होता है बेटा? वो होता है एडेप्टिव रेडिएशन का। एडेप्टिव रेडिएशन जब होती है तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो बनते हैं। ओके, एडेप्टिव रेडिएशन बेटा डार्विन का सिद्धांत था, जिसमें वो ये कहता है कि अगर मान लो आप नेचुरल कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है तो हमारे अंदर क्या होते हैं वेरिएशन जो है वो आती रहती है, चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो एडेप्टिव रेडिएशन की वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया जो है वो डेवलप हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। नेक्स्ट आता है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ शो दैट लाइफ फॉर्म हैड ए ट्रेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या कहती है कि हम लोग कहाँ से कहाँ मूव हुए हैं? हम लोग बेटा वाटर से लैंड एरिया की तरफ जो है वो मूव किए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जाता है बेटा सेकंड। नेक्स्ट है, वीवी पैरी इज कंसिडर्ड टू बी मोर इवोल्व बिकॉज। वीवी पैरी का मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। ओके, ये ज़्यादा इवोल्व क्यों हुई है? क्योंकि बेटा वीवी पैरी जो है, यंग वंस जो है वो आपके प्रोटेक्टेड होते हैं इनसाइड मदर बॉडी एंड लुक्ड आफ्टर दे आर बोर्न लीडिंग टू द मोर चांस ऑफ सर्वाइवल, इसलिए जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन फोसिल्स कहाँ मिलती है हमें? सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलती है। नेक्स्ट, दी एम एन ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एंड एन एलील आर 0.7 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली। द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम एन ब्लड ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी। देखो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, उसने पूछा है एम एन, ओके दैट इज हिट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप। ओके, सो हिट्रोजाइगस के लिए हमने अभी जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल था उसकी एक इक्वेशन पढ़ी थी, पी स्क्वेयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर। तो देखो इसमें हिट्रोजाइगस कौन सा है बेटा?
हिटरोजाइगस ये है, ठीक है। इसमें पी की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, पी को मान लो एम है, वो दिया है बेटा 0.7, एक को 0.7 मान लो और एक को 0.3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.21 आएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो ये आएगा 0.42। अब इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो ये आएगा बेटा 42, ओके। सो हमारा आंसर जाएगा 42%। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इन इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म ऑब्जर्व इन मोथ बिस्टन बिटुलेरिया, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं बेटा कि वाइट मोथ से ब्लैक मोथ की तरफ जो है इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म हुआ है, इंडस्ट्रीज़ का जो इवोल्यूशन हुआ था वो इस तरीके से, इंडस्ट्री जो डेवलप हुई थी तो पॉपुलेशन पोल्यूशन भी जो है वो ज़्यादा हुआ था, जिसकी वजह से जो मोथ का कलर था वो भी आपका वाइट से ब्लैक की कलर तरफ हुआ था। ये इवोल्यूशन कैसा है, इवोल्यूशन बेटा तीन तरीके का आपका बताया गया है। एक होता है स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास जो जो ग्राफ होता है सिलेक्शन का, वो अगर इस पीक का है तो हमेशा ही इसी पीक का चलेगा। लेकिन डायरेक्शनल में क्या होता है, डायरेक्शनल में ये होता है कि अगर जैसे मान लो एक टाइम पे ये ग्राफ है तो बेटा दूसरे टाइम पे आपका ये वाला ग्राफ होगा, मतलब ये वाली जो स्पीसीज है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है, ओके। और डिस्ट्रप्टिव में कौन सा होता है बेटा, डिस्ट्रप्टिव में कौन सा होता है, डिस्ट्रप्टिव में ये होता है कि जैसे मान लो ये ग्राफ है तो इसका आपका ये ना रह के इस तरीके से जो एंड की स्पीसीज है वो एकदम से इंक्रीज हो जाती है और जो मिडल वाली स्पीसीज थी वो अंदर रह जाती, वो कम रह जाती है। सो इसलिए हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे डायरेक्शनल, कौन सा जाएगा हमारे यहाँ पे डायरेक्शनल, जो मोथ बिस्टन बिटुलेरिया है वो डायरेक्शनल मेलेनिज्म दिखाती है। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन इवोल्यूशन इज, बेटा ह्यूमन इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है ये आप लोग याद रखो, पहले रामापिथिकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, ओके, उसके बाद आपका होमो हैबिलिस, उसके बाद होमो इरेक्टस, और उसके बाद होमो नियंडरथल्स, और फिर ये सब लोग जो है वो आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बेटा, देखो किस में ऐसा दिया है, एक सीक्वेंस इसमें सही लग रहा है, रामापिथिकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिंक स्पीसीज, इनमें से लिंक स्पीसीज कौन सी है, तो बेटा लोब फिश जो है वो लिंक स्पीसीज मानी जाती है, क्योंकि ये उस तरीके से लिंक स्पीसीज मानी जाती है कि ये वो वाली फिश थी जो कुछ टाइम के लिए लैंड पे आई और फिर वापस जो है वो चली गई, ठीक है। तो लिंक स्पीसीज वो होती है जो दो लोगों के बीच में कनेक्शन जो है वो करती है, ये फिश और एम्फीबियंस के बीच में जो है कनेक्शन करना लिंक जो है वो सही रहेगा, ठीक है। तो लोब फिश जो है इसमें आपका एक लिंक स्पीसीज है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये सभी वो MCQ हैं जहाँ से लास्ट टाइम भी क्वेश्चंस बने थे, और ये NCERT के बेस्ट MCQ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना।